मंडी बहाउद्दीन में जायदाद का झगड़ा हाथापाई से शुरू होकर खून खराबे तक जा पहुंचा। चाचा ने फायरिंग करके भतीजे और उसके हमसुल्फ को कत्ल कर दिया। मकतूल शाहिद का बेटा मोबाइल पर वीडियो बनाता रहा। मुलजिमान वारदात के बाद फरार। आफ़ज़ाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से खातून वकील जाँ बहक नायला अली शोहर के हमरा जिम जा रही थी कि निशाना बन गई। साथी वकला का कहना है मकतूला का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। डिस्ट्रिक्ट बार में वकला की हड़ताल, दो रोज़ा सोक का ऐलान। लाहौर के इलाके नवाकोट में घरेलू मुलाजिम और यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म को किसने कत्ल किया, तहकीकात में पेशरफ्त ना हो सकी। मकतूल का मोबाइल गली से मिल गया। पुलिस को घर आने वाले दोस्तों की तलाश। गुजरावाला में बाप बेटे समेत तीन अफराद को कत्ल करने वाला इश्तहारी मुल्ज़िम 6 साल बाद पुलिस की गिरफ्त में आया। हमजा भट्ट के सर की कीमत 2 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। मुल्ज़िम तहरे कत्ल की वारदात के बाद दुबई फरार हो गया था। कराची के इलाके बिन कासिम में खातून के कत्ल केस में पेशरफ्त। ससुरालियों ने बहू को मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल किया। पुलिस ने ससुर को गिरफ्तार कर लिया। शोहर और सास की गिरफ्तारी के लिए छापे। वाकया 5 जनवरी को पेश आया था। लाहौर के इकबाल टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 6 बेटियों का 65 साल रेड़ी बांध जाँ बहक। लवाहिकीन और ताजरों का इंतजामिया पर तशद्दुद। लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। सारे लोग मौजूद है, किसी ने बचाया नहीं मेरे को। अफगानिस्तान में प्लान बना और इंडिया और राह का इसमें हाथ है। 5 गिरफ्तारी से एक बंदा रहता है, लेकिन असलन का घर जो आरिफ नाम के बंदे का था वो बल्दिया में ना। फाइनली उधर से सुबह को आए थे और यहाँ पे आके उन्होंने हमला किया था। उनके अपने रिश्तेदारों को उन्होंने चुना था क्योंकि दे वॉन्टेड टू सक्सेसफुल उसमें। कराची में चीनी कौंसलेट हमले में भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्वस है। हमले में मुलव्वस 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। असलहा ट्रेन के जरिए क्वेटा से कराची लाया गया। बल्दिया टाउन का रहायशी आरिफ सहूलतकार था। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्द नाम बदल बदल कर शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करते थे। हमले का मकसद CPAC मंसूबे में दरार डालना था। डिफेंस कराची में बंगले से चीनी बाशिंदों से 30 लाख रुपए लूटने वाले सिक्योरिटी गार्ड निकले। मुलजमान को अंदरून सिंध से गिरफ्तार कर लिया गया। DIG साउथ शर्जील खरल कहते हैं ऐसी सिक्योरिटी कंपनियां और गार्ड्स की भर्तियां सवालिया निशान हैं। जुनेद जमशेद के तैयारों को हादसा, PIA इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की गफलत का नतीजा निकला। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने 2 साल बाद रिपोर्ट जारी कर दी। तैयारे का इंजन 10,000 घंटे मुकम्मल होने के बावजूद तब्दील नहीं किया गया। जरूरी मुरम्मत भी ना किए जाने का इंकशाफ। हवेलियां तैयारा हादसे में 47 अफराद शहीद हुए थे। इंसानी स्मगलिंग के घिनौने धंधे में FIA एहलकार भी मुलव्वस निकले। तफ्तीशी टीम ने काली भेड़ों की निशानदेही कर ली। 5 साल में 711 पाकिस्तानियों को यूरोपीय ममालिक से डिपोर्ट किया गया। जाली दस्तावेजात पर ज्यादातर अफराद इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुए थे। मामला कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला को भेज दिया। आप अपने एहतसाब खुद कर रहे हैं। आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में सिर्फ 2 रेफरेंसेस पेंडिंग। रेफरेंसेस को हम अपने जजेस के गले का फंदा नहीं बना सकते, हम मेरिट्स पे डिसाइड करेंगे। किसी दूसरे के दायरा इख्तियार में मदाखलत नहीं की। झूठे रेफरेंसेस फाइल करके जजेस को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का लाहौर हाई कोर्ट बार से अलविदा खिताब, कहा दानिस्ता या नादानिस्ता बहुत गलतियां की मगर बदनीयती शामिल नहीं थी। कोर्ट लखपत जेल में नवाज शरीफ की तबीयत तश्वीशनाक है। बाजू में तकलीफ, एंजाइना हो सकता है। चेकअप के लिए जाती मौलिज को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। मरियम नवाज का ट्वीट में इजहार तश्वीश। शहबाज शरीफ कहते हैं साबिक वजीर आजम के साथ नारवा सलूक सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। मरियम नवाज का ट्वीट गलत बयानी है।
जेल डॉक्टर के मुताबिक नवाज शरीफ का ECG, ब्लड प्रेशर और शुगर सब ठीक है। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर अदनान आज जेल जाकर मुआयना कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान की बैरून मुल्क जायदाद के मामले पर मौजूदा और साबिक वज़ीर इत्तला'आत के दरमियान ट्विटर पर जंग छिड़ गई। मरियम औरंगज़ेब ने पूछा क्या थे वो ज़राए जिससे अलीमा बाजी ने अरबों रुपए की जायदाद खरीदी। ज़राए शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी बोर्ड के फंड्स हैं। चोर डाकू कहने वालों की बाजी चोर निकली। फवाद चौधरी का जवाबी वार, ट्वीट किया अलीमा आपा मुल्क की वज़ीर आज़म नहीं रहीं, तमाम जायदाद खुद डिक्लेयर की। जिन लोगों ने खुद कुछ ना किया वो शौकत खानम अस्पताल और नमल जैसे इदारों को मुतनाज़ा ना बनाए। किस्म के बयानात इनके वुजरा सिंध हुकूमत के खिलाफ, सिंध के लोगों के खिलाफ दे रहे हैं, सिंध के लोगों में इश्तहाल पैदा हो रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे चीफ मिनिस्टर साहब से या हुकूमत से असम्बली से गुजारिश करनी पड़े कि इनके चंद बदकलाम वुजरा के सिंध में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। ECL से नाम नहीं निकालते तो हम सिंध में तुम्हारे दाखिले पर पाबंदी लगा सकते हैं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की PTI को धमकी। कहा अलीमा खान ने ना कारोबार किया ना मेहनत मजदूरी की, फिर इतनी बड़ी जायदाद कहां से बना ली। वजीर आजम की बहन का नाम ECL में डालने और JIT बनाने का मुतालबा। फयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार, बोले सूबे किसी की मीरास नहीं है। आज सईद गनी साहब ने, मैं कहता हूं आले जरदारी और आसिफ जरदारी साहब के कहने पे, सबसे नेगेटिव कार्ड खेला है। सबसे नेगेटिव वो है लसानियत का, सुबाइयत का। ना वजीर आजम पाकिस्तान, ना कोई वजीर आला, ना कोई शख्स, कोई किसी किस्म के किसी फर्द को जो पाकिस्तानी है कहीं पे भी आने जाने पे कोई रुकावट नहीं खड़ी कर सकता। दिनों में वजारत आला होनी थी आपके नाम, किसी ने साजिश की आपके साथ? जिसने भी किया अल्लाह उसको खुश रखे। वजीर आला बनना चाहिए आप? अब इमरान खान साहब के ऊपर है कि वो उनको अपनी टीम जो है वो खुद चुननी है। मैंने उनको ये भी कहा था कि मुझे आप फेडरल में बेशक ले आए और मैं फेडरल में भी किसी भी कोई भी असाइनमेंट के ऊपर काम करने को तैयार हूँ। इमरान खान के ATM के लकब पर कोई शर्मिंदगी नहीं। जलसों पर पैसे लगाए मगर इमरान खान को आज तक एक जराब तक नहीं दी। पंजाब के वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान का समा को इंटरव्यू। कहा इमरान खान से विफाक में जिम्मेदारी देने की बात की थी, क्या आप वजीर आला पंजाब बनना चाहते हैं? समा के सवाल पर अलीम खान बोले, ये तो इमरान खान की सवाबदीद है। स्कूल वैन्स में गैस सिलेंडर्स के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। कमिश्नर कराची की जेर सदारत इजलास में कार्रवाई जारी रखने का फैसला। स्कूल गाड़ियों के लिए पीला रंग मखसूस, वैन्स मालिकान को एक माह की मोहलत दे दी गई। बिजली और गैस के बाद दवाओं की कीमतों पर भी महंगाई का बॉम्ब गिरा दिया गया। सरदर्द और बुखार की गोलियां हो या एंटीबायोटिक दवाएं, कीमतों में 9 से 15% इजाफा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।